एडमिट यूज़ द वर्ड एक्सक्यूज यस जी वैल्यू इज 0 to 1 एक्सक्यूज यस एज लिमिट ऑफ एस सम एज लिमिट ऑफ ए सम और मैंने दूसरे तरह से पूछता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल का अर्थ मैंने प्रथम सिद्धांत कहेंगे कि प्रथम सिद्धांत से इसका वैल्यू निकालिए तो अब मान लीजिए कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं कुछ लोग तो ये चैप्टर मिस कर देता है और कह देगा वो जो पहले वाला दीदी बनाए उसी से बना दीजिए यानी कि पहले हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखे हैं तो एक क्यूब का कर दे एक का 4 बाई मान देंगे और बताइए तो एक मार्क्स का क्वेश्चन हुआ जबकि क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन उस तरह बनाया जाएगा तो मार्क्स मिलेगा खाली आंसर मिल जाएगा आंसर तो उस विधि से बनाएंगे तो मिल ही जाएगा लेकिन ये वो मार्क्स इसलिए ये गलती नहीं होना चाहिए सवाल पूरी तरह से पूछेगा ना लिमिट ऑफ सम लगा दिया सब चाहे फ्रॉम फर्स्ट में स्कूल पढ़ा दिया तो समझ जाइएगा क्या हो गया इस विधि से बनाना है तब यह 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला एक फॉर्मूला है इसमें मार्क और ये फॉर्मूला जो है जब हम लोग 5-6 सवाल है एक हम अपने से बता रहे हैं साथ में वह साथ पर जब लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा तो इस सवाल में हम बना रहे हैं सॉल्यूशन लिख रहे हैं देखिए सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला का चर्चा कर देंगे वी नो दैट फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है इतना के बराबर होता है लिमिट एलटी हम लिखते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सिग्मा आर बराबर 1 से एन एफ एफ प्लस आर एस जहां की एन एच बराबर डी माइनस हो गया फॉर्मूला का चर्चा और हम जो सवाल है